आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक ऐसा प्रार्थना पत्र आया जिसमें एक विवाहित महिला ने अपने ही पति पर नपुंसकता का आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति एवं पति के परिवारजन संतान प्राप्ति के लिए उस पर दूसरों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। साथ ही महिला ने बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सन 2018 में जनपद ललितपुर के कस्बा बांसी के पुराना बाजार में स्थित एक गुप्ता सरावगी परिवार के लड़के से हुई थी। महिला ने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं। उसके भाइयों ने उसकी शादी में नगद और दहेज मिलाकर 7.5 लाख रुपए ससुराल पक्ष को दिए थे। शादी के बाद से ही उसके पति ने उससे दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। वह हमेशा तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तथा धार्मिक अनुष्ठानों की बात करते हुए अपनी पत्नी से बहाने बनाकर दूर रहता था। शादी के 3 साल बाद जब महिला को पता चला कि उसका पति नपुंसक है, उसने धोखाधड़ी करके शादी रचाई है। इस पर भी महिला खामोश रही ताकि ससुराल और मायके पक्ष की बदनामी ना हो। इसके बाद महिला के पति एवं परिवारजनों ने अवैध दहेज की मांग करना शुरू कर दी। साथ ही साथ नशीली दवा खिलाकर महिला के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए और बदनाम करने की धमकी देने लगे तथा संतान प्राप्ति के लिए दूसरों से संबंध बनाने के लिए नाजायज दबाव डालने लगे। शादी के 5 साल तक महिला अपने नपुंसक पति और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना झेलती रही। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने मायके में आकर अपने भाइयों को बताया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए न्याय की मांग की है। साथ ही साथ पीड़ित महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर आईजी जॉन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी मंडल झांसी, अध्यक्ष महिला आयोग नई दिल्ली, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग लखनऊ, जिला अधिकारी ललितपुर आदि को शिकायती पत्र प्रेषित करते हुए ललितपुर जनपद के पत्रकारों को भी विज्ञप्ति प्रेषित की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। क्या मामला हो गया आपकी बहन के साथ, क्या आपका कहना है, क्या कहेंगे आप? जी, बहन की शादी हमने 2018 में बांसी में नीरज गुप्ता नीरज रावगी के यहाँ पे की थी जी। तो बाद में जानकारी लगा, वो प्रताड़ित करते थे और जब वो शादी करके गई तो उन्होंने ये बोला कि आपको यहाँ पे नौकरानी बन के रहना है और हमसे कोई ज़्यादा मतलब रखना नहीं, हमारी जेठानी जो है उसकी सेवा में लगी रहना है। और उसके बाद जब वो बनी रही, हमारे मम्मी पापा हैं नहीं, हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, तो हम उसके बाद फिर जब हमारी बहन को मालूम चला कि लड़का नामर्द है, संबंध भी नहीं बना सकता है, बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता है, मतलब टोटली वो अपंग है, तो जब उनको जब मालूम चला, उन्होंने घर में विरोध किया जब, तो पति ने उनको धमकी दी कि अगर तुमने अपने घर में बताया, मायके पक्ष को बताया, तो हम तुम्हारे भाइयों को जान से मरवा देंगे। और उनकी कुछ अश्लील वीडियो भी बना के रखे हैं नहाते हुए की, तो उनको वायरल करने की भी धमकी दिया कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी और बहनों भाइयों की शादी नहीं होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला उनके एक किशोर के जीजा हैं और मोहल्ले के विवेक गुप्ता हैं, सुदेन सेठ हैं, कपिल गुप्ता हैं, और इन सबसे बोला कि इन लोगों में से संबंध बनाओ किसी से, ताकि उनको बच्चा पैदा हो जाए और इनकी नाक बची रहे और घर में जब प्रताड़ित करते रहें। तो हमारी बहन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तलाक भी चाहिए और न्याय भी चाहिए। आज हम एसपी कार्यालय में आए हैं ज्ञापन उसको देने, तो एसपी कार्यालय में दे दिया है और आगे हम कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। नहीं, 5 साल हो गए, 5 साल बाद आप शिकायत करने हैं क्या? 5 साल बाद इसलिए क्योंकि तीन चार साल तो मालूम ही नहीं चल पाया, क्योंकि वो ठेकेदार हैं और बोलने लगे कि हमारे 6 महीने के जाप चल रहे हैं और साइड पे हैं, हम कभी यहाँ हैं कभी वहाँ हैं, तो इस प्रकार से वो, और हमारी बहन भी शांत बनी रही क्योंकि शांत स्वभाव की हैं, वो कुछ बोल नहीं पाई, क्रोध नहीं कर पाई। जब उनको जैसे तैसे बाहर के लोगों से मालूम चला, तो फिर जब उन्होंने घर में बात उठाई, तो फिर इस प्रकार से उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं और सख्त से सख्त न्याय चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने धोखाधड़ी की है और दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमारी बहन की हर प्रकार से, तो हम चाहते हैं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इनके पूरे परिवार को, सबको जिन्होंने हम लोगों के साथ जालसाजी करके इस प्रकार का कृत्य किया है। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी हुई कि नपुंसक है? हमको जानकारी जब हुई, जब हमने अपनी मंजिली बहन की शादी के लिए हमने बहन को लुवा के आए हैं, तब हमने उनको गुमसुम देखा, तो फिर हमने उनसे पूरी कोशिश करी पूछने की। जब उन्होंने धीरे धीरे फिर बताया, हमको पूरी प्रकरण बताया, तो फिर हमारे होश उड़ गए। लेकिन उस समय पर हमारी बहन की शादी थी, इसलिए हम कार्रवाई उस समय नहीं कर पाए, इसलिए अब जैसे ही मौका मिला है तो हम आए हैं। कहाँ की ये घटना? घटना बांसी की है, हम लोग मेहरोनी के रहने वाले हैं और बांसी में शादी की थी नीरज सरावगी सनोप सीताराम सरावगी के यहाँ पे। बांसी में हुई थी सर जी। ठीक।
तो हमसे कहा कि हमने मम्मी पापा भैया भाभी मम्मी पापा की खुशी के लिए शादी की, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना हमसे उम्मीद रखो, ना कोई आस रखो, ना हमारी कमाई पे हक अधिकार है तुम्हारा, उन जो कुछ भी है भैया भाभी की आज्ञा से ही मिलेगा, जो लेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, उन्हीं के अधीन रहो, उन्हीं से मतलब रखो, उन्हीं से बात करो, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से मांगो, जब भी तुमको खाने को मिलेगा, जब भी पहनने को मिलेगा, जब भी रहना, हमसे मतलब नहीं रखना और किसी चीज़ को अपना मत कहना, किसी चीज़ में ताला मत लगाना जी। और ये वो फिर हमने कही वो कोई बात है कल वो कुछ नहीं, और हमसे मतलब नहीं रखना, वो हमारे जाप चल रहे हैं, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल भर, कभी शनिश्चर शांति, कभी राहु केतु शांति, कभी करोड़ रुपया फंसे हैं उसको निकालने के लिए शांति, ऐसा करते करते 2 साल हो गए। फिर धीरे धीरे हमने कहा जब मतलब नहीं था तो शादी क्यों की, सो असली वजह नहीं बताई कि हम अंदर से कैसे हैं। कोई एक घटना घटित हुई थी 10-12 साल पहले जिससे वो अब किसी लायक नहीं रहे, ये बात ढकी हुआ छुपी हुआ, इसीलिए ये समय निकाला जा रहा था, टाला जा रहा था। बाद में जब ऑब्जेक्शन उठाया तो सबने कहा भाभी जैसा कहते जाओ वैसा करते जाओ, और भाभी बदनामी उड़ाती है, वो कहती इससे संबंध बना लो, उससे संबंध बना लो, जो आ जाओ उसको रखो, घर की बात घर ही में रखो, बाहर मत फैलाओ, घर के सदस्य घर की बात है, घर से रहना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, और ऐसी ऐसी कोई औरत नहीं है जो अपने पति की ना कटाई घर की खानदान की के ऊपर कीचड़ उड़ाए, इसे आराम से चुपचाप शांत रहो, अब तो घर घर की यह कहानी है, जो चाहे संबंध बनाते रहो। क्या चाहती हैं आप लोग? हम बस न्याय चाहते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, और जो सजा मिलती है वो मिले, और बस। कितनी साल हुई आपकी शादी? 5 साल। अच्छा, तो 5 साल हो गई अभी पता चला आपको? हाँ, वो दारू पीते हैं, मोहल्ले को उठा उठा के लाते हैं, ये बात भी छुपाई। अच्छा। बहुत गुस्सा आती है, ये भी बात छुपाई, और हर चीज नकली, हर बात फर्जी बताई, कोई भी बात सही नहीं बताई। वो कागज सब पूरे मोहल्ले भर की महिलाओं को पता है कि इनकी कहानी क्या है, इसीलिए जल्दी जल्दी शादी उठाई और मोहल्ले में बात फैलाई कि अरे गरीब थी, 10 लाख रुपया दे के लाए हैं, वो जाएगी तो जाएगी कहाँ पर, यहीं पर रहना है, और 7 भाई बहन है, शादी क्यों की तो हो नहीं गई, अब यह जाके कहते हुए बड़ो भैया मतलब ही स्वार्थी है, वो तो वैसे भी कछु नहीं रखे, वो ही की चलती है घर में, सो का करने होते पहुँचा गए, बस अब गुलाम बने, एक नौकरानी की जरूरत है, मम्मी कब तक काम करते हुए, और भाभी काम करती रही, सो बस मम्मी हाथ जोड़ के हमेशा रोके, ओके तुम भैया की बात नहीं मानो, भाभी की मानो, उनकी मानत चलो तो सब ये, जैसे छाया को छाया वे मानती भाभी की बात, और देखो वे किस चीज का जाप चलता था, क्या बोलते हैं वे, वो फर्जी बातें थी सब। अच्छा। कभी कुछ हम क्या बताए क्या का जाप।